गोरख के शो बिना तकल्लफ में मैं अलीमा सादिया आपको खुशामदीद कहती हूं आप टैग टीवी के youtube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बातचीत होगी बांग्लादेश में नई इंटरम गवर्नमेंट के भारत के साथ रिश्तों के हवाले से इस बात का भी जायजा लेंगे पाकिस्तान में फौज रिटायर्ड जनरल फैज अहमद के साथ-साथ इमरान खान को क्यों रगड़ा देना चाहती है आज के शो में हम दो बड़ी जंगों की ताजा सूरत हाल भी देखेंगे कि रूस यूक्रेन की जंग में शिद्दत क्यों आती जा रही है और मिडल ईस्ट में इसराइल हमास जंग के तनाजर में इसराइलियों के मुजाहरे क्यों जोर पकड़े हैं अमरीका में ट्रंप हैरिस की पहली सदारती डिबेट का दस सितम्बर को दुनिया क्यों बेताबी से इंतजार कर रही है आखिर में हम कनाडा में नई इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बनने वाली फिजा का जायजा लेंगे तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं हम बांग्लादेश में नई इन गवर्नमेंट के भारत के साथ रिश्तों के हवाले से बांग्लादेश में इस्लामिस्टों का पलड़ा भारी होता जा रहा है भारत के ख़िलाफ़ फजा पनपती जा रही है बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं भारत ने दोनों देशों के बीच डीजल पाइपलाइन के काम को रोक दिया है इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए देखिए बड़ी पचीदा सूरत हाल है भारत और बांग्लादेश के बीच जो अब ये सूरत हाल बन रही है ख़ासतौर तो पर बांग्लादेश में जब से प्रोटेस्ट हुए और शेख हसीना की गवर्नमेंट को बिलाआर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा वो भारत चली गई तो बंग्लादेश में हर आ, मसले का जो इल्ज़ाम है वो भारत के ऊपर लगाया जा रहा है इवन हमने पिछले हफ्ते जिक्र किया था कि बंग्लादेश में फ्लड आए थे तो भी उन्होंने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया अब यह है कि वहाँ पर इस्लामिस्ट जो हैं वो जोर पकड़ते जा रहे हैं जैसा कि आपने जिक्र किया और अभी रिसेंटली जमात इस्लामी के तमाम बड़े लीडर जिन पर बैन था और उनमें से कुछ जेल में थे वो सभी के सभी जो चीफ एग्जेक्टिव हैं मिस्टर यूनस के साथ बैठे हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जो सिर्फ भारत के लिए कंसर्न नहीं है बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है मगर अब बांग्लादेश की ये जो इंटरिम सरकार है वो इन के साथ अपनी प्यार की पींगे बढ़ा रही है और आपने ज़िक्र किया कि भारत ने जो दोनों देशों के बीच डीजल पाइपलाइन थी उसका एक माह मेरा खल रिसली हुआ था शायद पिछले साल हुआ था बांग्लादेश की सरकार के साथ जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी तो वो भारत ने अब वो रोक दी अगरचे उस पर कोई उन्होंने वजाहत तो नहीं की हम गैस कर सकते हैं कि भारत एक तरह से अब मैसेज दे रहा है बांग्लादेश को कि भाई आप हमें हर चीज़ में अपने हर मसले में अपनी हर खराबी में घसेटेंगे और हमें ज़िम्मेदार ठहराएंगे तो फिर ठीक है जो हमारी वजह से आपकी इकानमी बेहतर हो रही है हमारी वजह से जो आपके और बहुत सारे मसाइल बेहतर हो रहे हैं इवन भारत तो ये नहीं कहता मगर उसको कहना चाहिए कि भाई इवन हमारी वजह से आपके मुल्क का आ, जो है वो इस्टेबलिश हुआ था आपका देश बना था तो ये सारी सूरत हाल मेरा ख़्याल है भारत को अब बांग्लादेश को बावर करानी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेशी उतर आए हैं भारत की नाशुक्री पे। अब तक भारत ने बंगलादेश के साथ जो कुछ किया और उसके पदाश में वो बदकस्मती से अब बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी जुल्म कर रहे हैं तो नाउ आई थिंक राइट टाइम फॉर इंडिया टू रिफ्लेक्ट बैक एंड गिव अ मैसेज कि भई आप सिर्फ लेने के लिए हाथ नहीं फैला सकते आपको आ, दोस्ती अगर आप भारत से रखना चाहते हैं तो आपको भी कुछ अपनी ख़ाम की इल्ज़ाम तराशियों को ख़त्म करना होगा आ, और अगर आपने कुछ हमसे लेना है तो ढंग से लें और अगर आपने बदमाशी भी करनी है बुलिंग भी करनी है इल्ज़ाम भी लगाने हैं तो फिर ऑफ कोर्स हम आपको इस तरह नहीं नवाज सकते जिस तरह हम आपको माजी में नवाजते रहे हैं तो वो मेरा ख़्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो भारत ने आ, मतलब इस तरह का मैसेज दिया फिर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मुसलसल हर फोरम पे जहाँ पे ज़रूरी होता है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है उस पर भी बात करते हैं इवन प्रजेंट जो बाइडन के साथ उनकी जब पिछले हफ्ते बात हुई थी तब भी उन्होंने जिक्र किया था तो मेरा ये ख़्याल है कि भारत की हुकूमत की जो पॉलिसी है आ, वो बहुत इम्पोटेंट है कि वो बांग्लादेश और इस वक्त की जो बांग्लादेशी फ़जा बनी हुई है उसको भी रिटेलिएट नहीं तो एटलीस्ट रिएक्ट करें और उनको एहसास दिलाएं कि इनाफ़ इनाफ़नाफ़ आप इस तरह हमसे अमदाद नहीं ले सकते आप इस तरह हमारी जो हमेशा की फेवर्स हैं चाहे वो ट्रेड में हो चाहे सिक्योरिटी में हो वो आप इस तरह नहीं ले सकते डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड वाली बात चलिए क्या बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ केसेस बनाकर मुतमिन हो जाएगी या फिर बांग्लादेश के हालात को दुरुस्त की तरफ ले जा सकेगी या डायरेक्शन दे सकेगी जी देखिए इस वक्त जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है हमने अभी पीछे जिक्र किया कि वो क्या कुछ न, आ, हमाकते नहीं कर रही और सिक्योरिटी की तरफ वो तवज्जो देने की बात तो करते हैं मगर इनफैक्ट वो सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं कर रहे आ, अभी भी खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं कि पुलिस थानों से कोई मतलब लाखों की तादाद में गोलियाँ चुरा ली गई हैं हज़ारों की तादाद में जो फायर आर्म्स हैं बंदूकें हैं वो चुरा ली गई हैं तो ऑफ कोर्स ये सब गोलियाँ और बंदूकें लोगों के पास हैं और वो कौन लोग हैं जिनके पास हैं जो मतलब कोर्स बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है बांग्लादेश की सरकार को सिर्फ शेख हसीना के ख़िलाफ़ केसेस खोलना आ, वो काफ़ी नहीं है ठीक है बांग्लादेश में ऐसी हिस्ट्री चली आ रही है कि जो भी नई सरकार आती है चाहे इंटायरम गवर्नमेंट हो चाहे पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो वो पिछली सरकार के खिलाफ केसेस खोलना शुरू कर देती है अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश और पाकिस्तान हो भारत के स्वा उस रीजन में तब तकरीबन सभी देशों में यही कल्चर है लेकिन अब बांग्लादेश की ये जो सरकार है इसके चीफ एग्जीटिव नोबल लॉरियट डॉक्टर मोहम्मद यूनस हैं और उनके ख़िलाफ़ शेख हसीना ने बहुत सारे मुकदमे बनाए हुए थे वो वो मुल्क से बाहर थे अब वो जब ये प्रोटेस्ट हुए तो उसके बाद वो वापस लौटे हैं तो अब अगर वो भी वही काम करेंगे जो वो समझते हैं कि शेख हसीना ने गलत काम किया था मुकदमे बना के तो अब अगर वो भी जवाबन मुकदमे ही बनाएंगे तो फिर इनका नॉबल लॉरियट होना इनका कोर्ट अन कोर्ट पढ़ा लिखा होना उसका क्या फ़ायदा उनको बुनियादी तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए अब देखिए जैसा खुद बंग्लादेश के जो अखबार हैं वो कह रहे हैं कि भाई हज़ारों फायर आर्म्स पुलिस के थानों से चुराए गए हैं वो गायब हैं और हज़ारों की तादाद में गोलियाँ बल्कि शायद लाखों की तादाद में गोलियाँ गायब है तो भाई उस तरह के मामला की तरफ तोज् दें बांग्लादेश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है लॉ एंड ऑर्डर अभी तक कंट्रोल में नहीं आया उन बातों की तरफ तोज्जो दें मगर सारा जोर अब शेख हसीना के ख़िलाफ़ केसेस नए नए बना के न, क्या उससे ये हासिल कर लेंगे अगर ये वाकई ही कोई रेवोल्यूशनरी लोग हैं चूंकि स्टूडेंट्स इनके साथ हैं स्टूडेंट्स का ये क्लेम है जी कि हमने एक तरह से अननेम्ड किस्म का रेवोल्यूशन वहाँ पे कायम किया है तो भाई ये ये अननेम्ड रेवोल्यूशन तो नहीं है ये तो जो कुछ पहले सरकारें करती रही हैं आप ही वही कर रहे हैं तो बांग्लादेश बहरहाल एक तरक्की कर रहा था मुल्क रिलेटिवली बेहतर हालात में था मगर उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जिस तरह की हरकतें की हैं और जिस तरह इस्लामिस्टों को खुली छूट दी है और जिस तरह हिंदुओं के साथ बुरा सलूक हो रहा है देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनस क्या आ, कंट्रोल कर पाएंगे बांग्लादेश के हालात और बंगलादेश को किसी आ, चला सकेंगे आ, अगर नहीं तो फिर उनकी भी जो नाअहली है वो बहुत जल्द साबित हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा ब्लीक सूरत हाल लग रही है चलिए अब इस बात का जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान में फौज रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के साथ साथ इमरान खान को क्यों रगड़ा देना चाहती है जी देखिए पाकिस्तान में फौज जो है वो आ, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ जाती है ये हमेशा से हो रहा है और वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं जो फ़ौज की ही आशीर्वाद से कभी इकतदार में आती हैं और फिर फौज एकदम उनके साथ बिगाड़ पैदा कर लेती है या वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बिगाड़ पैदा कर लेती है। बात आपने की इमरान खान की देखिए जनरल फैज़ हमीद मेरी जाती राय में जो पाकिस्तान के निज़ाम को हम समझते हैं यहाँ इवन कैनेडा में बैठ के अगर जनरल फैज़ हमीद इमरान ख़ान की इस तरह मदद ना कर रहे होते इमरान खान की जो मदद जनरल फैज़ ने की फ़ौज के अंदर रहते हुए भी और फिर फौज से रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ ने जिस तरह इमरान खान की मदद की तो वही मदद अब जनरल फैज़ के गले का एक तरह से फंदा बन रही है मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनको खुदाना खास्ता किसी ने हैंग कर देना है लेकिन उनके लिए मुश्किल काफ़ी हैं अब आपका बुनियादी सवाल कि क्या जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो अब इंटारोगे चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चल रहा है क्या उसका मकसद इमरान खान को रगड़ा देना है बिल्कुल इमरान खान को रगड़ा देना है अगर इमरान खान की इस तरह जनरल फैज़ ने मदद ना की होती और आर्मी की जो इस वक्त की करंट लीडरशिप है उनके खिलाफ इमरान खान को उकसाया ना होता और आज तक वो अपनी गिरफ्तारी तक उकसाते रहे थे तो यकीनी तौर पर जनरल फैज को शायद कुछ ना होता जो उनकी कारस्तानियाँ हैं जो उन्होंने वो जो एक इस्लामाबाद का एक जीरो सिटी का पता नहीं क्या कहा जाता है आ, कोई स्कैंडल है जिसके सिलसिला में वो बुनियादी बन्य, तौर पर पकड़े गए हैं और बहुत सारे उनके इश्यूज़ थे वो शायद सभी माफ हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी के जो इस तरह के इन्फ्लुएंशियल रिटायर्ड जनरल जो ख़ासतौर पर आईएसआई के चीफ रहे होते हैं आप पिछले उनसे पहले चार पाँच की इंस्टीट्यूट आकर देख लीजिए उन्होंने भी कोई काम नहीं की थी जनरल फैज ने तो उनसे कोई दो हाथ आगे ही काम किया था मगर शायद इनको भी छूट मिल जाती अगर जनरल फैज इमरान खान के दस्ते रास ना होते अब चूंकि वो इमरान खान के दस्ते रास हैं और इमरान खान उन्हीं की शय पर अब तक जो सब कुछ करते चले आ रहे थे किया और अभी भी जनरल फैज के जो सपोर्टर हैं ये शक किया जाता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद है सिर्फ रिटायर्ड लोग नहीं है जो उनके सपोर्टर या दस्ते रास्ते जनरल फैज़ के जनरल फैज के कहा जाता है कि अभी भी कुछ ऐसे सपोर्टर आर्मी के कुछ अहम उहदों पर बैठे हो गए और ऑफकोर्स पाकिस्तान की आर्मी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो कर रही होगी इन्वेस्टिगेशन एट लीस्ट कर रही होगी तो इमरान खान अब मुझे नहीं पता कि अब इतना बड़ा एक्शन हो गया कि इमरान खान के दस्ते रास को फौज ने पकड़ लिया उनका कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया आ, और अब इमरान खान जिस तरह की वो धमकियाँ वमकियाँ इवन जेल में बैठ के भी सम टाइम दे देते हैं इमरान ख़ान बेक़्त दो तीन बातें कर रहे होते हैं एक तो वो फौज को कह रहे होते हैं कि मेरे साथ बैठे मुझे रिलीफ दे दूसरी सतह पर वो ये देखते हैं, जब फौज रिलीफ देने को तैयार नहीं होती तो वो फिर फ़ौज को पूरा भला कहना शुरू कर देते हैं उसके नतीजा में फिर फौज जाहिर है उनके साथ किसी किस्म की जो है लीनियंसी वो कायम नहीं कर सकती तो इमरान खान के लिए टफ है बहुत टफ है और मुझे ये लगता है पाकिस्तान के मुबसरीन भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनरल फैज़ अमीन को जहाँ रगड़ा मिलेगा उसके साथ साथ इमरान खान को भी रगड़ा मिलेगा क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा इसी तरह रहेंगे कि फौज और सियासी पार्टियों में किसी न किसी तरह तनाव की सूरत रहे इकॉनमी डावाडोल रहे दुनिया भर की कॉन्स्पेरिस थ्यूरियाँ परवान चढ़ती रहें इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए देखिए जो कॉन्सपरेसी थ्योरियां हैं पाकिस्तान में वो तो खैर शायद कभी ना रुके अगर हालात कभी बेहतर भी हो जाए और जो इकॉानमी का हाल है वो चूँकि ऑर्गेनिक इकॉनमी नहीं है पाकिस्तान की तो जब तक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकॉनमी ना हो किसी भी देश की वो इकॉानमी हमेशा डावर डोल रहती है जहाँ तक पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के बीच हालात का मसला है उनके बीच तल्लक का मसला है वो कभी भी पाकिस्तान में बेहतर नहीं हुए उसमें सिर्फ फ़ौज की ही ज़िम्मेदारी नहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ भी हमाकतें करने से बास नहीं आती वहाँ पर कल्चर ऐसा है कि एक वक्त में एक पॉलिटिकल पार्टी या दो तीन पॉलिटिकल पार्टियां या एक तरह का कोलिशन फ़ौज की गोद में बैठ जाता है और फौज उनको इकतदार दे देते हैं फिर फ़ौज को जब महसूस होता है कि अब ये चैलेंज बन गए हैं तो फिर दूसरी कोई पार्टी फिर दूसरा कोई कोलिशन उनको वो गोद में बैठा लेते हैं और मतलब पाकिस्तान में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जैसे फ़ॉर इंस्टेंस आ, कई बार फौज के लिए नकबले कबूल हुई फिर काबले कबूल हो जाती थी इसी तरह नवाज़ शरीफ ख़ास तौर पर फ़ौज की ही पैदावार थे मगर फिर ऐसा वक्त भी आया कि फ़ौज उनको नापसंद करने लगी तो फिर जब फ़ौज ने उनको नापसंद किया तो उनको भी सबक सिखाया कि भाई अगर आप ये समझते हैं कि आप हमारे चहेते हैं तो हम आपको भी खुंडे लाइन लगा देंगे तो फ़ौज ने उनको भी खुडे लाइन लगा दिया फिर वो बाहर जाते हैं माजी में हुआ बाहर गए फिर पीपल्स पार्टी आई फिर पीपल्स पार्टी ने थोड़े अपने पर निकाले तो उनको फौज ने चलता किया फिर नवाज शरीफ को ले आए अब उन्होंने कुछ देखा था कि आज से कोई आलमोस्ट आठ दस साल पहले कि भाई ये जो है म्यूज़िकल चेयर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की चलती रहती है हमें तीसरीवत को बनाए अगरचे तीसरी तीसरीवत को बनाने के सिलसिले में काम बहुत अरसा पहले शुरू हो गया था लेकिन वो को दस बारह साल से उसकी कंक्रीट शक्ल बनी इमरान खान और पाकिस्तान इंसाफ की सूरत में और इमरान खान को इस हकीकत का पता था कि भाई मुझे अब ये बना रहे हैं नरेटिव बना रहे हैं कि ये दोनों चोर हैं और मैं ईमानदार सादक अमीन और बहुत ही कमाल का आदमी हूँ तो इमरान खान को उन्होंने इस तरह पेट किया इमरान खान आ गए इकतदार में अब इमरान ने ये समझा कि मैं अब शायद कोई सारी ज़िंदगी मरते दम तक इकतदार में रहूँगा लेकिन इमरान ख़ान और उनकी पार्टी ने ऐसे बलंडर किए कि फ़ौज को महसूस हुआ कि भाई ये तो हमारी इकॉनमी जो ऑलरेडी हमेशा डामा डोल रहती है ये तो इसका भी सत्यानाज इसने कर देना है और कर दिया था इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स में इसने मैस किया बहुत गड़बड़ की तो फ़ौज ने कहा कि भाई इसको जब चलता करें अब जब उसको चलता करने का उन्होंने सिलसिला आज से कोई ढाई तीन साल पहले शुरू किया तो इमरान ख़ान ने वही जनरल फैज फैज़मी जिसके हम पीछे बात कर रहे थे उनकी और उन जैसों की मदद से ऐसा फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रापागेंडा शुरू किया कि फौज का नाक दम में, आ, नाक, में तो। नाक में दम हो गया तो अब फौज ने कहा कि भाई ये क्या हम करें इसका तो अब फौज इससे आ, निपट रही है आ, और निपटते निपटते बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं क्योंकि जो इमरान खान के हामी हैं चाहे वो फ़ौज के अंदर बैठे हुए या जो सबका फ़ौजी अफसरान हैं बड़े बड़े जर्नैल जनरल फ़ैज़ अमीन वो फौज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए तो फौज उनकी अब किरदार कुशी भी कर रही है उनके खिलाफ ऑपरेशन भी कर रही है और इससे पहले भी आ, कई हो चुके हैं कोर्ट मार्शल अब भी हो रहा है कोर्ट मार्शल तो पाकिस्तान की जो जबू हाली जो है आपने जिसका इशारा किया सवाल में चाहे वो इकनॉमिक लेवल पर हो चाहे वो सोशल लेवल पर हो चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉयड है एक फेल्ड नेशन है ऑनेस्टली इसके अलावा कुछ नहीं है आज के शो में हम दो बड़ी जंगों की ताजा तरीन सूरत हाल भी देखेंगे कि रूस यूक्रेन की जंग में शिद्दत क्यों आती जा रही है और मिडल ईस्ट में इसराइल हमास जंग के तनाजर में इसराइलियों के मजाहरे क्यों जोर पकड़े हैं पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से इस जंग में तेज़ी क्यों आ रही है देखिए इस जंग में जो हालिया तेज़ी आई है वो यूक्रेन का रूस के एक इलाके पे कब्जा करना था इससे पहले हमने यही देखा कि रूस ही यूक्रेन के इलाकों पे कब्जा कर रहा था और यूक्रेन डिफेंसिव था अब यूक्रेन ने ये दिखाना चाहा वेस्टर्न वर्ल्ड को भी दुनिया को भी रूस को भी कि भई हम आपके इलाके पे कब्ज़ा कर लेंगे और इससे हम शायद नेगोशिएट कर सकेंगे अब वो गलबन कर्क उस इलाके का नाम है जहाँ पे यूक्रेन ने कब्ज़ा किया है जो 1200-1300 तेरह सौ किलोमीटर का शायद इलाका है और इसमें सदर जिलेंसकी अपने एलाइज को अपने मसल्स दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मैं अब इस काबिल हूँ कि आप को सिर्फ बताया है और मैंने अब रूस पे रूस के एक इलाके पे कब्जा कर लिया अब रूस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो वहाँ पे फाइट चल रही है कर्क्स में रूस ने इस दौरान जो यूक्रेन के दूसरे हिस्से रूस के साथ लगते हैं वहाँ पे अटैक्स किए कई अटैक्स किए अभी रिसेंटली उन्होंने एक अटैक किया है जिसमें फोटी सेवन से ज़्यादा लोग मारे गए बहुत शरीर अटैक किया है और सैकड़ों जख्मी हुए हैं तो अब ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो साथ दे रही है यूक्रेन का उनका यह ख्याल है कि हम रूस को शिकस्त दे देंगे अब रूस कोई अफगानिस्तान तो है नहीं ये अफगानिस्तान को शिकस्त नहीं दे सके थे या इराक तो है नहीं ये तो मुकम्मल तौर पर इराक को भी शिकस्त ना दे सके सवाए वहां पर तबाही लाने के लेकिन इनका पता नहीं क्यों ये एहसास है वेस्टर्न वर्ल्ड का कि हम रूस को शिकस्त दे देंगे इन्होंने को सैकड़ों सेंशन लगाई हुई है मसला ये नहीं है कि रूस ठीक है या यूक्रेन गलत है या यूक्रेन ठीक है या रूस गलत है ये सब ग्रे एरिया में हो रहा है कुछ मामला में रूस का मौकफ़ ठीक है कुछ मामला में यूक्रेन का मौकफ़ ठीक है मगर ये जो मौकफ़ है कि हम रूस को मात दे देंगे ये मुमकिन नहीं है इसलिए कि रूस एक बहुत बड़ा मुल्क है अपने रकबे के अतबार से आबादी भी उसकी अच्छी खासी है अपने वसाइल के अतबार से रशिया आ, में ठीक है जो भी उनका निज़ाम है वो वलादिमिर पुतन जाने उनकी आवाम जाने लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड अगर टॉपल डाउन करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है और क्या गारंटी है अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी सतह पर यह वलादिमिर पुतन को टॉपल डाउन कर भी देते हैं जो मैं एज़्यूम कर सकता हूँ हम लेते हैं जो कि आलमोस्ट नामुमकिन है ये भी तो क्या वहाँ पे जो बाकी जो लाइन ऑफ एक्शन वाले लीडर्स बैठे हुए हैं क्या वो वलादिमिर पुतिन से कम हो गए तो पहली बात यह कि ये वहाँ पे रूस को शिकस्त नहीं दे सकते अब वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी आवाज़ें हैं जैसे ये राइट विंग की पार्टियाँ अब उभर रही हैं अभी हमने जर्मनी की दो ईस्ट जर्मनी की दो रियासतों में देखा फार राइट के लोग काफ़ी आगे आए हैं और वो यूक्रेन की मदद के खिलाफ इवन फ्रांस uh, में जो फार राइट right के लोग जीते थे वो भी खिलाफ हैं इटली में भी खिलाफ हैं यूरोपियन यूनियन में जो लोग हैं ख़िलाफ़ हैं इवन फार लेफ्ट के लोग भी ख़िलाफ़ हैं यूक्रेन को मदद देने के वो ये कहते हैं कि इस मसले का हल पीस से होगा क्योंकि ह्यूमैनिटी नीड्स पीस नहीं नहीं पीस वो तो खैर चलिए वो और है ना नहीं वो ये कहते हैं कि टेबल पे बैठ के होगा पीस से मुराद ये नहीं है कि पीस हो जाना हुँ. है मतलब वो कोई आसमान पे कोई फेंटसी नहीं लिखी होती वो ज़ाहिर है जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको ही डील करते हुए वॉर पीस को तलाश करना पड़ता है तो अब वो ये सब कह रहे हैं कि भाई रूस और यूक्रेन को मेज़ पर बैठाओ हम साथ बैठते हैं जो फार राइट और फार लेफ्ट के दोनों ग्रोह यूरोप में ये कह रहे हैं अच्छा यही हाल अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप का है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप फर्ज कीजिए जीत जाते हैं तो ये यूक्रेन की सूरत हाल नहीं होगी अब मुझे नहीं पता मिस्टर जेलेंस्की जो है वो किन ख्वाबों में जी रहे हैं अब अगर जेलेंस्की का ये ख्याल है अगर ट्रंप जीत गए तो फिर मैं कुछ ऐसे काम कर दूं कि ट्रम्प के लिए ज़रूरी हो जाए कि इस जंग को कंटिन्यू रखें ट्रम्प इस जंग को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता और मतलब चाइना भी नहीं रखना चाहता वो भी इं इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी दुनिया का देश इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं तो अब जिलेंसकी जो है उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए रूस का जो गैजो गुस्सा है अब रूस एक मतलब बड़ी पावर है अब रूस के लिए ये एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि यूक्रेन ने कब्जा कर लिया उनके छोटे से हिस्से पे। वो वहाँ पे फाइट तो चल रही है लेकिन अब रूस अपने गैज़ो गुस्सा का इजहार कर रहा है कभी वो कैपिटल कीफ़ पे एक तरह से बमबारी करता है और वो मिसाइल जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो रोक लेते हैं ज़्यादातर है। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कैजटीज़ हो जाती हैं तो मुझे यूं लगता है कि ये जो जंग है ना जो यूरोप में हो रही है सो तो ये बड़ी ख़तरनाक जंग है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह की है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकती है और ये बड़ी खतरनाक ये न्यूक्लियर जंग हो सकती है और पता नहीं क्यों कि जो जेलेंस्की और उनके हामी जो लोग हैं वो क्यों इतने बजिद हैं कि जी हमने रूस से जो इलाके यूक्रेन के हैं वो वापस नहीं है वो कोई नहीं वापस वापस मिलने सदर ट्रम्प भी यही कहते हैं कि भाई वो जो गए गए अब आप आराम से सुकून से बैठो अब अपने अपने लोगों को नामवाओ बहुत बड़े बड़े फिलासफर्स हैं प्रोफेसर जेफरी सैक्स जैसे वो बेचारे बड़े बैलेंस लोग हैं वो बार बार समझा रहे हैं जेलेंसकी को थ्रू देयर आर्टिकल्स थ्रू देयर इंटरप्रटेशन कि भाई तुम किस रस्ते पे जा रहे हो लेकिन ये बड़ी खतरनाक जंग है और ये जो इसका फेज दाखिल हुआ है ना ये बहुत खतरनाक है और आई मीन मैं जाती तौर पर जर्नलिस्ट बहुत अलार्म्ड हूँ और बहुत स्क्यड भी हूँ कि ये जंग कोई छोटी जंग नहीं होगी चलिए अब इसके गीजो गजब से आगे बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ हमास के हाथों अमरीकी और इसराइली यरगमालियों की हाली हलाकतों के बाद इसराइली वजीर अजम के ख़िलाफ़ इसराइल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं नतन का कहना है कि हमास का मकम्मल खात्मा किए बग़ैर वो रुकेंगे नहीं अब आप इस सिचुएशन के ऊपर किस तरह रोशनी डालेंगे देखिए जो हमास और इसराइल की जंग है इस पर भी लोग अपनी उसी तरह की कंसर्न शो करते हैं जैसा मैंने अभी रूस और यूक्रेन के जंग के हवाले से कहा मेरी जाती राय में ये ये रीजनल जंग है आ, और ये आ, कोई शायद बहुत बड़े डिजास्टर की तरफ नहीं जाएगी ये बस जितना इसका खौफनाक नुकसान हो रहा है वो उस रीजन में हो रहा है ईरान ईरान के ये प्रॉक्सीज़ ही हैं जैसे यमनी होती हैं या ये हमास वाले हैं हिजबुल्ला हैं ये कोई ईरान से अलग नहीं है ये ईरान का ही हिस्सा है तो ये जंग जो है ये इजराइल और हमास एंड ईरान के बीच में रहेगी इसमें अरब नहीं कूदेंगे ना ही चीन आएगा ना ही रूस आएगा ना ही दुनिया की कुतें कोई उसमें आएंगी मसला इसमें यह है कि दबाव है नतनयाहू पे और वो दबाव मजीद बड़ा है क्योंकि अमेरिका बहुत अरसे से नतनयाहू से कह रहा है कि आप अपनी ये जो सीज फाइल की तरफ बढ़े जंग बद्दी करें क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन अगले दो महीनों में हो रहे हैं जो कि शुरू हो जाएंगे उनके पोल्स तो वो तो शायद एक दो हफ्तों में शुरू हो जाएंगे तो वो अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई ये जंग रुके क्योंकि अमेरिका पे बहुत दबाव है जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो वोट कैपिटलाइज करना चाहती हैं कमला हैरिस और डेमोक्रेट्स पार्टी अब नतन याहू जो है वो कोई बहुत पॉपुलर नहीं है इसराइल में उनकी भी माइनॉरिटी सरकार थी जंग से पहले और जंग ने उनकी सरकार को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया अब जो रिसेंट वाकया हुआ है कि कोई छः सात यरगमाली जो थे जो मेरे ख्याल एक सौ कुछ यरगमाली बताया जाता है अभी तक हमास के पास थे पता नहीं कितने बेचारे मर गए और कितने जिंदा हैं उसमें से छ की लाशें मिली उसमें एक अमरीकी बच्चा भी था और उस पर जाहिर है सदर बाइडन भी अपसेट हुए गए उनके लिए पोलिटिकली और मुश्किल हो जाता है इस तरह की ट्रैजडीज़ को हैंडल करना तो उन्होंने भी कहा कि नतन याहू इज़ नॉट डूइंग इनफ टू तो कंट्रोल द सिचुएशन तो अब नतन याहू के ऊपर प्रेशर है नतन याहू के ऊपर इसराइलियों का प्रेशर है हमने गुजत कुछ दिनों से देखा लाखों इसराइल इसराइल के शहरों में बड़े शहरों में बाहर निकल आए वो नतन याहू से यह कह रहे हैं कि हमें हर सूरत जो यगमाली जिंदा रह गए हैं वो जिंदा चाहिए अब किसी को शोर नहीं है कितने जिंदा हैं लेकिन जितने भी रह गए वो ये कह रहे हैं कि तुम आ, सीज़ फायर करो नतन याहू ने कौम से माफ़ी तो मांगी है कि भाई ये जो छः लाशें मिली हैं मुझे बहुत अफसोस हुआ है मैं पूरी कॉम से माफ़ी मांगता हूँ लेकिन मैं जंग को नहीं रोक सकता सीज़ फायर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए अमेरिका ने और रूस ने जब जर्मनी में नाजियों को मकम्मल तौर पर बर्बाद किया था तो वो रुके नहीं रहे तब तक जब तक उन्होंने नाजियों का कला कमा नहीं कर दिया था तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हमास का मकम्मल कला कमा नहीं होगा मैं नहीं रुकूंगा अच्छा ये बात आइडियली तो ठीक लगती है क्योंकि हमास भी कोई खौफनाक टेररिस्ट बदतरीन टेररिस्ट ग्रुप है लेकिन मुसीबत यह है कि सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स जो है उस रीजन में हमास ही नहीं है हिजबुल्ला ही नहीं है हुती ही नहीं है ये एक माइंड सेट एक द बोर्ड है तो इस माइंड सेट को खत्म नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली नतन याहू को अरबों की मदद से अमरीकियों की मदद से वेस्टर्नर्स की मदद से कोई ना कोई ट्रूस यानी ये जंग बंदी तो करनी होगी अगर वो नहीं करेंगे तो ये तो अनलिमिटेड है मतलब नाजियों का तो पता होता था कि ये, ये 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 नाजी इनको मार देंगे मसला हल हो जाएगा ओवर द टेबल दल्यूशन चाहिए जी जंग की सूरत हाल नहीं चाहिए नहीं अब जंग इसमें इतनी तबाही हो गई सब कुछ हो गया और जाहिर है इसमें टेबल पे आ के भी आके भी कोई अमन तो नहीं आ जाना लेकिन एटलीस्ट अपने जरगमाली रहा करवाए कुछ जंग बंदी करें फिर अरबों से कहें नतन जाहू कि भाई ये जो जहादी ग्रुप्स हैं ये इजराइल के लिए भी उतना ही खतरा है जितना आपके लिए क्योंकि अरब नो बेटर अरब्स नो बेटर हाउ टू डील दोस जहादी मॉन्स्टर्स अरब दुनिया जो है सऊदी अरब हो यूएई हो कतर हो ये तो जहादियों को लगाम डाल देते हैं क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है और वैसे भी उस पूरी आ, आ... एरिया एक को आप आ, हाँ, करना वो उनके अपने लोग उनको तो पता है कि हमने इन जहादियों को कैसे लगाम डालना है फिर उनका अपना चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है वो कोई किसी तरह का भी करैक डाउन कर सकते हैं इसराइल में डेमोक्रेसी है वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है जरा सी को बात करें तो लोग अवाम अपनी अवाम बाहर निकल आती है जो अब हम इसराइल में देख रहे तो इस सारी हाल में सिचुएशन काफी बली है वहाँ पर अमरीका में ट्रंप हैरिस की पहली सदारती डिबेट का दस सितम्बर अमरीकियों के साथ साथ दुनिया को क्यों बेताबी से इंतजार है जी आप जी जी देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये मसला है अभी हम जिक्र कर रहे थे अमेरिका के इलेक्शंस का सितंबर का महीना आ गया सेबर अक्टूबर दो महीने नवम्बर चार को पोलिंग होनी है जो मतलब रूटीन की पोलिंग है अब वो अर्ली पोलिंग तो मैंने बताया शायद हफ्ते दस दिन में शुरू हो जाएगी और कई रियासतों में पोलिंग अर्ली पोलिंग होती रहेगी अब जाहिर है ये बड़ा ही पोलराइज इलेक्शन है एक तरफ तो राइट कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके रिपब्लिकन के कैंडिडेट सदर ट्रम्प है जो पहले भी एक बार सदर रह चुके हैं उनसे जो अमरीकी Uh, कुछ इदारे हैं खाइफ हैं कुछ अमरीकी इदारे चाहते हैं कि वो आए है। कैमला हैरिस को इंटरनेशनल सपोर्ट यूक्रेन के मसाइल में चूँकि सदर ट्रंप तो यूक्रेन की जंग कंटिन्यू करने के हक में नहीं है तो वो जो वो जो कुतें हैं इंटरनेशनली वो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं लेकिन अमरीका इतनी इंटरेस्टिंग सोसाइटी है कि वहाँ की जनता बहुत एक्टिव है जनता प्रो ट्रम्प भी बहुत एक्टिव है और एंटी ट्रम्प भी बहुत एक्टिव है क्योंकि अमेरिकी जनता बहुत डायनेमिक जनता है तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसका इंतज़ार अमेरिकियों को भी है और आ, पूरी दुनिया को है अब 10 सितंबर की जो चंद दिन बाद डिबेट होनी है उसका ख़ास तौर पर इंतज़ार इसलिए है कि ये पहली डिबेट है जिसमें कामला हैरिस प्रेजिडेंट ट्रंप के साथ दो बदू होगी क्योंकि जो आ, एक डिबेट हुई थी सदर ट्रम्प की जो बाइडन के साथ वो इतनी डिजास्ट्रस डिबेट थी जो बाइडन और डेमोक्रेट के लिए कि डेट डिबेट लेट जो बाइडन रेजिग्नेशन जो बाइडन को रेजिग्नेशन देना पड़ा क्योंकि तो उन्होंने इतना बुरा परफॉर्म किया था अब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कामला हैरिस जो डेमोक्रेट्स की अब नई एक प्रेजिडेंट पिक है क्या वो सदर ट्रम्प का मुकाबला कर पाएंगी क्या वो सदर ट्रम्प को डिबेट में कुछ नंबर पीछे छोड़ पाएंगी ताकि उनके हौसले और बढ़े उधर सदर ट्रम्प के जो सपोर्टर हैं वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या सदर ट्रम्प जो बाइडेन की तरह या उनसे कुछ कम कमला हैरिस को एम्बेरस कर पाएंगे ये अलग बात है कि जो सपोर्टर सदर ट्रंप के हैं सदर ट्रंप जैसी भी डिबेट में परफॉर्मेंस देंगे वो उनके सपोर्टर ही रहेंगे कामला हैरिस जैसी भी डिबेट में परफॉर्मेंस देंगे उनके सपोर्टर उनके सपोर्टर रहेंगे ज़्यादा मसला अनडिसाइडेड वोटर्स का है या फिर जो ये जो स्विंग स्टेट्स हैं जहाँ वो को सात स्विंग स्टेट्स बताई जाती हैं जिनमें है इलेक्शन के एरिजोना मिशिगन मिशिगन वगैरह वगैरह सात स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं किसी एक पार्टी के हाँ किसी चूंकि बाकी बहुत सारी जो अमेरिका की स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी तय है कि ये रिपब्लिकन के पास जाएंगी ये डेमोक्रेट्स के पास जाएंगी ये सात स्वेट्स हैं सात स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं तो ये जो सात स्टेट्स हैं इनके जो रिजल्ट आएंगे आ, उस पर बहुत डिपेंड करता है आखिर में हम कैनेडा में नए इमीग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बनने वाली फिजा का जायजा लेंगे इस मामले की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रोशनी डालिए देखिए जो नए इमीग्रेंट्स आ रहे हैं वो तो खैर आज आ चुके हैं और जो जिनका ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है वो भी खैर खरीद से आ जाएंगे लेकिन जो नई इमिग्रेशन होनी है उस पॉलिसी में अब काफ़ी रुकावटें आई जो जो इन प्लेस पॉलिसी अगर अगरचे कोई नई इमिग्रेशन की पॉलिसी ऑफिशियली कनाडा ने पेश नहीं की मगर जिस तरह की इंडिकेशन स्टूडेंट्स के वीज़ाज उनके वर्क परमिट और उनके आ, जो परमानेंट रेजिडेंट्स के स्टेटस पे गवर्नमेंट ने अब तक जो कुछ कहा है कनाडा की सरकार ने उसे हम ये गैस कर सकते हैं कि के कनाडा की सरकार ने इमिग्रेशन की अथॉर्टीज़ को ये मैसेज अपरली भी दे दिया और हो सकता है कि उन्होंने अंदरून खाना भी दे दिया भाई अब अपना हाथ ना रखो हमने अब उस तरह इमिग्रेंट्स नहीं लाने स्टूडेंट्स भी उस तरह नहीं लाने वर्क परमिट्स भी नहीं देने तो इन तीनों मामला में सिचुएशन इंटायरली चेंज हो चुकी है चूँकि कैनेडा की इकानमी भी मसाइल का शिकार है आबादी भी एकदम से तेजी से बढ़ी है जो स्टूडेंट्स आए हैं तेज़ी से इमिग्रेंट्स आए हैं सीकरस आए हैं यूक्रेन से फलस्तन से सीरिया से तो ठीक है दिखाने को तो प्राइम मिनिस्टर टूडो अपनी ऑप्टिक्स दिखाते रहते हैं वो सब मतलब सा, साइलम सीकरस के साथ भी पिक्चर्स खींचते रहते हैं वो सब चलता रहता है लेकिन अंदरून खाना मगर अंदरून खाना ब्यूरोसी सिस्टम जो है कैनेडा का वो अपसेट है तो इससे पहले कि के कैनेडा की बाकायदा इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई तब्दीलियाँ हों ऑफिशली वो तब्दीलियाँ होने से पहले ही मैसेज मिल चुका हुआ है पूरे सिस्टम को कि भाई अब ज़रा हाथ आप हल्का रखें अब हमने इस तरह नहीं यहाँ पे लोगों को बुलाना उनको यहाँ पे रखना क्योंकि जॉब्स सेचूरेट हो गई है जॉब मार्केट सेचूरेट हो गई है पहले बच्चों को फैक्ट्रियों में टिमहटल्स में आ, फास्ट फूड्स की चेन्स में पिज़ा शॉप्स में जॉब्स मिल रही मिल रही थी अब वो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड हैं अब वो वहाँ से निकलेंगे तो कोई नया बच्चा आएगा तो एक तो स्टूडेंट्स की जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब वो नहीं रही इवन जो इमिग्रेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं रही इवन जो सिटीजन हैं है, हाँ, उनकी जी उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वो नहीं रही जो कनेडियन बच्चे हैं बच्चे हैं जो यहाँ बॉर्न हो तो इस सारी सूरत हाल में अब कनाडा जो के इमिग्रेशन के लिए खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर टूडो ने एक बड़ा ही सॉफ्ट हदसा बनाया हुआ था आ, और एक बड़ी ही कंफर्टेबल सी प्लेस बनाई हुई थी वो अब नहीं रही और लगता भी नहीं है कि अपैरेंटली जो आज के पोल्स बता दें अगले साल इलेक्शन होना है कनाडा में उस इलेक्शन में शायद टूडो जीत भी ना सके और अगर वो हार गए अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने इमिग्रेशन की जो अपनी पॉलिसी थी उनसे हाथ खींच लिया उन्होंने जो अपना इमिग्रेशन के लिए लीनियट रवैया था उसका यू टर्न ले लिया उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी वो अब हम नो लॉन्गर हाइव करेंगे टैम्प्रेरी वर्क परमिट वालों को तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये बातें कर रहे हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे तो फिर तो कनाडा की सूरत हाल और मुख्तलिफ हो जाएगी और अ, मेरा ख्याल है कि अब इमिग्रेशन लेने वालों के लिए या स्टूडेंट्स को कनाडा आने के लिए सोचना पड़ेगा कि कनाडा उनके लिए फेवरेबल देश है या नहीं है आज का बिला तकल्फ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियान पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.